गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम बी एड सेकेंड ईयर विषय सामान्य विज्ञान यूनिट फर्स्ट सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। इससे पूर्व हम सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत सिद्धांत निम्नलिखित हैं: क्रियाशीलता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, नंबर 5 प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाहित करने वाला सिद्धांत, 6 सामाजिक झुकाव का सिद्धांत, 7 मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम का सिद्धांत, 8 स्थानीय परिस्थितियों को संबंधित रखने वाला सिद्धांत, 9 दूरदर्शिता का सिद्धांत, 10 अवकाश के समय का सदुपयोग का सिद्धांत। इन 10 सिद्धांत का पूर्व में पूर्ण निर्णय कर चुके हैं। आज हम सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया एक व्यापक प्रक्रिया है। सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण किसी एक बिंदु या एक बिंदु पर आधारित नहीं होता है, वरन अनेक प्रकार के तथ्यों का समावेश होता है। इन तथ्यों का संबंध संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित होता है। इस शैक्षिक व्यवस्था का लक्ष्य, उद्देश्य, अधिगम अनुभव व विषय वस्तु चयन आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सोपानों को हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत नंबर 1 लक्ष्य व उद्देश्य, नंबर 2 अधिकम अनुभव का चयन, नंबर 3 विषय वस्तु का चयन, नंबर 4 अधिकम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण, एंड नंबर 5 मूल्यांकन। तो आज हम लक्ष्य व उद्देश्य से अपनी चर्चा शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत लक्ष्य एवं उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माण पर लक्ष्य एवं उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माण का प्रथम सोपान है, क्योंकि सर्वप्रथम हम किसी लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों एवं क्रियाओं के संबंध में विचार करते हैं, जिसे हम पाठ्यक्रम के रूप में जानते हैं। उदाहरण के लिए, जब शिक्षक बालक के शारीरिक विकास के लक्ष्य को निर्धारित करता है, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योग एवं व्यायाम की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की गतिविधियों एवं अनुभवों के क्रमबद्ध समूह को शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम उसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों के द्वारा निर्धारित एवं विकसित होता है। लक्ष्य एवं उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माण के प्रथम सोपान के अंतर्गत आता है। लक्ष्य एवं उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माण के प्रथम सोपान के अंतर्गत आता है। लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्रकृति के आधार पर उसकी पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम का स्वरूप निश्चित होता है। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यापक होता जा रहा है। इसके मूल में लक्ष्य एवं उद्देश्य का व्यापकता नहीं है। वर्तमान समय में सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता होती है। अतः लक्ष्य एवं उद्देश्यों के द्वारा ही पाठ्यक्रम का विकास संभव होता है। लक्ष्य एवं उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न करते हैं, इसका वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है: नंबर 1 सामाजिक उद्देश्य व लक्ष्य, नंबर 2 दार्शनिक उद्देश्य एवं लक्ष्य, नंबर 3 सांस्कृतिक उद्देश्य व लक्ष्य, नंबर 4 राष्ट्रीय उद्देश्य एवं लक्ष्य, नंबर 5 अभिभावक के लक्ष्य एवं नंबर 6 वैश्वीकरण लक्ष्य व उद्देश्य। इस नंबर 1 टॉपिक लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्वा, नंबर 2 अधिकम अनुभवों का चयन, अधिकम
अधिकम अनुभवों का पाठ्यक्रम में समावेश पाठ्यक्रम निर्माण का दूसरा सोपान है पाठ्यक्रम का स्वरूप विभिन्न प्रकार के अधिकम अनुभवों से अधिकम अनुभवों से निर्धारित होता है। अधिकम अनुभवों में उन अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है जिसके माध्यम से छात्रों का अधिकम स्तर उच्च तथा स्थानीय बनता है। दूसरे शब्द में उन अनुभवों को पाठ्यक्रम में स्थायित्व स्थान प्राप्त होता है जो कि सर्वमान्य होते हैं तथा जिन्हें शिक्षण अधिकम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अनिवार्य माना जाता है। इस प्रकार अधिकम अनुभव का चयन करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अर्थात अधिकम अनुभव पाठ्यक्रम को व्यापक रूप प्रदान करते हैं। अधिकम अनुभवों के चयन एवं पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर वन, शिक्षक विद्यालय जीवन के अनुभव। नंबर टू, शिक्षक अधिकम प्रक्रिया के अनुभव। नंबर थर्ड, कक्षा कक्ष के अधिकम अनुभव। नंबर फोर, रुचि संबंधी अधिकम अनुभव। नंबर फिफ्थ, शिक्षण सूत्र अधिकम अनुभव। नंबर सिक्स, अधिकम के नियम संबंधी अनुभव। नंबर सेवन, अधिकम सिद्धांतों संबंधी अनुभव। नंबर वन, शिक्षक विद्यालय जीवन के अनुभव। नंबर टू, शिक्षक अधिकम प्रक्रिया के अनुभव। नंबर थर्ड, कक्षा कक्ष के अधिकम अनुभव। नंबर फोर, रुचि संबंधी शिक्षक अनुभव। नंबर फिफ्थ, शिक्षण सूत्र संबंधी अधिकम अनुभव। नंबर सिक्स, अधिकम के नियम संबंधी अनुभव। एंड नंबर सेवन, अधिकम सिद्धांतों संबंधी अनुभव। आज इतना ही, कल हम इसके बकाया बिंदु विषय का चयन, अधिकम अनुभव एवं विषय का अंतरण एवं नंबर फिफ्थ मूल्यांकन जैसे सोपानों के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्ते।